हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जियो कॉलर ट्यून को बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जियो सिम में जो कॉलर ट्यून सेट कर रखा है उसे अगर हमें बंद करना रहे या हटाना रहे या डीएक्टिवेट करना रहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीका बताएंगे कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जियो सिम में कॉलर ट्यून बंद करने के लिए पहला सेटिंग है कि आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जियो का ऐप ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आपको पांच ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, माई जियो, उसके बाद रिचार्ज, उसके बाद जियो टून्स का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जियो टून्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक्टिव जियो टून। यहाँ पर आप देख सकते हो चलिया करके एक सॉन्ग है, उसी को मैंने एक्टिवेट किया था, यानी कि कॉलर ट्यून सेट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन देखने को मिला, इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके जियो सिम पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि मैसेज आ जाएगा कि आपका कॉलर ट्यून डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला तरीका कि आप जियो के कॉलर ट्यून को बंद कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम आप जान लेते हैं कि दूसरा अगर तरीका, अगर कॉलर ट्यून को बंद करना रहे तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने डायलर को ओपन करना है, और डायलर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डायल करना है 5 6 7 8 9, इस तरीके से डायल कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अनाउंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है इस तरीके से। आप यहां पर स्टॉप लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर नो टिप्स ऑल अलाउ वाले पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टॉप लिखने से पहले यहाँ पर इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रिसेंड और डिलीट लिखा हुआ है इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंड करने से पहले यहाँ पर आपको सिम को सेलेक्ट कर लेना है, जियो सिम को। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जियो की सिम ये है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉरी आर नॉट जियो टून सब्सक्राइबर SM, इस तरीके से अभी दूसरे पहले इस तरीके से इसे कॉलर ट्यून को बंद किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सॉरी करके आ रहा है। तो दोस्तों, ये था दो तरीका जिससे आप जियो सिम के कॉलर ट्यून को बंद करना चाहो तो इस तरीके से बंद कर सकते हो, या डीएक्टिवेट करना चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।